नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और ये जस्ट एक क्विक इन्फॉर्मेशन वीडियो है सभी पीजीटीज के लिए जो कि फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसी वजह से, ड्यू टू एक्सपीरियंस, है ना। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आपने फॉर्म ट्राई किया होगा बट विदाउट एक्सपीरियंस आप फॉर्म को फिल ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। और अभी मैंने लाइव में भी बताया कि विदाउट एक्सपीरियंस आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, बट अभी चेक करने के बाद और कई सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद ये पता चला कि अब वेबसाइट को ठीक कर दिया गया है। तो अब जो पीजीटीज हैं विदाउट ये एक्सपीरियंस, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो ये आपके पास अगर सिर्फ मास्टर डिग्री है तो आप उसके अंदर पीजीटीज के लिए एलिजिबल हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 3 ईयर्स आपको बीएड की डिग्री लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन सभी के लिए जिनके पास सिर्फ मास्टर्स था बट बीएड नहीं था, दे आर एलिजिबल फॉर द पीजीटीज एग्जाम। एक बार आप वेबसाइट पर दोबारा जाएं, फॉर्म को फिल करें और डेफिनेटली आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे और आप एलिजिबल हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पीजीटीज के लिए। इसे आप रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी पीजीटीज फ्रेंड को जो कि पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भर के वो नहीं भर पा रहे थे, तो उनके साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन सुन के काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपने फॉर्म को फिल किया था और आप फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, इवन सबसे ज़रूरी अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस एग्जाम के लिए भर रहे थे बट ड्यू टू वेबसाइट प्रॉब्लम वो भर नहीं पाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।